सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जनवरी की शाम पांकी के थाना रोड निवासी जितेंद्र प्रसाद के छोटे पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता उम्र लगभग 22 वर्ष के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि कन्हैया ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि 28 जनवरी की शाम कन्हैया का शव उनके घर के कमरे में पंखे से लटकता मिला था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा शव को वहां से पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। जिस समय युवक का शव घर में पंखे से लटका मिला था उस वक्त घर की कोई भी सदस्य घर में नहीं थे। मौके की सूचना के बाद मृतक के सभी परिजन घर पहुंचे थे, जहां प्रशासन के द्वारा उक्त कमरे को ताला लगाते हुए उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया था व लगभग 2 सप्ताह के बाद कमरे की चाबी व मोबाइल उनके परिजनों को दे दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से मौत के दिन एक आवेदन पर हस्ताक्षर भी करवा लिया गया था। मोबाइल प्राप्त होने के पश्चात जब मृतक के भाई सोहनलाल गुप्ता ने अपने स्तर से जांच शुरू की तो पता चला कि कन्हैया व उसकी प्रेमिका सानिया के बीच लगातार मैसेज एवं चैट के जरिए बातचीत की गई है। वहीं उसकी प्रेमिका के द्वारा किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने पर कन्हैया के द्वारा भी विरोध किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई, ऐसी आशंका उसके परिजनों ने जताई है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि पुलिस के द्वारा घटना की बारीकी से बिना जाँच पड़ताल किए इस मुकदमे को बंद कर दिया गया, इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को कॉल हिस्ट्री के साथ मैसेज व चैट संबंधित सभी साक्ष्य व लिखित आवेदन देकर मामले की जांच कर उचित न्याय दिलाने की मांग की है। पाकी से अनुज प्रसाद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रसाद। किनकी मौत हुई है? हमारा छोटा लड़का के। क्या नाम है उनका? कन्हैयालाल गुप्ता। क्या लगता है आपको, ये हत्या है या आत्महत्या? उसमें साफ है कि वो रघुनंदन प्रसाद से मैंने बात विचार हुआ था शादी ब्याह के लिए उसका लड़की के साथ, और वो लड़की जो है बाद में जो है महीना दो महीना से कोई और लड़का से साठ गांठ करके और खींचे भर खींच लिया, और इसके बाद में मिलजुल के लोग मर्डर कर दिया है। हम लोग घर पर इस कोई संबंध में आप कहीं शिकायत किए हैं? हाँ, एसपी साहब को दिए हैं। एसपी साहब से अभी डीएसपी साहब आए हुए थे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? डीएसपी साहब आए हुए थे, बात कर रहे थे हम लोग की हत्या किया गया है, तो वेलफेयर के बात निकालने लगे कि वेलफेयर आप करते थे तो हाँ करते थे, तो वेलफेयर का पैसा आप दीजिए। आप क्या मांग करते हैं? हमारा मांग है कि इसका उचित न्याय किया जाए। वो लड़की पार्टी वाले को अभी हमारा खाली मोबाइल सीज होता है, लड़की पार्टी का काहे नहीं सीज होता है? उसका इन्वेस्टिगेशन काहे नहीं होता है? हमारा लड़का जो है सो कॉल डिटेल निकाला तो साफ निकल रहा है कि लड़की पार्टी मिलजुल के किया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है इस पर तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे कि हमारा खुलम खुला इसका निराकरण करवाया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए। रेडी। क्या नाम है आपका? मोहनलाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? पांकी। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि 28 जनवरी 2021 को मेरे भाई कन्हैयालाल गुप्ता का घर में शव जो है सो पंखे के सहारे लटका हुआ मिला। ऐसा हमको सूचना प्राप्त हुआ तो हम जब घर आए तो बॉडी जो है सो थाना में उस समय तक ले जाया जा चुका था, और हम लोग उस समय घटनास्थल को भी जो है सो नहीं देख पाए और बॉडी को भी नहीं देख पाए किस हालत में था, और उस रूम का जो है सो ताला बंद करके तत्काल चाबी भी पुलिस साथ में ले गई। और जब हम लोग सुबह फिर 29 तारीख को थाना वाले बुलाए तो वहाँ मेरे पिताजी से एप्लीकेशन अपने हिसाब से जेके रमन लिखवा लेते हैं और उस पर सिग्नेचर करवाते हैं। इसके बाद जो है सो हम लोग बॉडी लेके पोस्टमार्टम के लिए डाल्टनगंज चले जाते हैं, वहाँ से पोस्टमार्टम करा के उसका जो अंत्येष्टि क्रिया होता है, अंतिम क्रियाक्रम होता है, उसके लिए गांव ले जाकर उसका करते हैं। इसमें 12-13 दिन हमारा निकल जाता है। और जब इस प्रकार का मामला था तो हमको उस समय आत्महत्या का मामला लगा, चूँकि पुलिस वाले लोग ऐसा ही बताए। लेकिन जब 15 दिन के बाद हमको मोबाइल फ़ोन वापस दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो और उसमें जब हम खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं कुछ, तो हमको जो साक्ष्य उसमें मिलता है ये सीधा सीधा हत्या की ओर इशारा करता है। कुछ मैसेज जो लड़की के द्वारा भेजा गया है, लड़के के द्वारा भेजा गया है, वो सारा जो है उसको स्क्रीनशॉट उसका उपलब्ध है, और उसमें कुछ मैसेज डिलीटेड है, एवं जो जियो अकाउंट का स्टेटमेंट है उससे मामला काफ़ी जो है सो हद तक क्लियर होता है कि एक तरफा प्यार का मामला नहीं है। अभी क्या किया गया आपके द्वारा? क्या कर मेरे द्वारा 24 फरवरी को
एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन दिया गया और उचित जांच की मांग करते हुए हमने उनसे साक्ष्य प्रस्तुत किया गया आपके द्वारा। हमारे द्वारा जो है सो सारा साक्ष्य उनको उपलब्ध कराया गया है और 4 मार्च 2021 को मैंने इसी मैटर को सीएम झारखंड को टैग करते हुए पलामू डीसी को टैग करते क्या हुए एसपी साहब को सारा मामला यही है कि जांच जो है सो पुलिस गलत तरीके से कर रही है और आरोपी को सीधा सीधा बचाने का कोशिश कर रही है।